विश्व के बहुत विरल व्यक्ति थी, विभूति थी, उनकी दो टाइम रिसर्च करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले टाइम हमने 2003 में और दूसरे टाइम 2010 में, पहले टाइम 10 दिन के लिए, दूसरे टाइम 15 दिन के लिए उनको हमने स्टर्लिंग अस्पताल के अंदर पूरी निगरानी के अंदर सीसीटीवी फुटेज के कैमरा, सेकंड टू सेकंड के कैमरा के साथ और 24 डॉक्टरों की स्पेशलिस्ट टीम और मॉनिटरिंग टीम और एथिक्स कमेटी की टीम, तीन टीम बना के उनका अध्ययन किया था। Was constantly observation under my supervision. All the security personnel was from the hospital side, and it was a camera observation. I started my mind that he is cheating and this is not going to continue. So from day one only, I took all possible measures to see that he is not left alone for a moment. We went on changing the security. We went on changing the cameramen, so that they cannot make any problem. We went on putting two cassettes simultaneously, so that even while changing the cassettes, he may not pass urine. At the end of the project, our conclusion was, Mr. Prahlad Jani did not take anything orally, neither fluid, nor water, nor food, during these 10 days of our project. दूसरी दफा DRDO DIPAS के साथ मिलकर उनकी निगरानी में हमने किया था। दोनों टाइम के परीक्षण में हमने देखा कि माताजी ने परीक्षण के दौरान न खाया, न पिया, न पेशाब किया, न स्टूल गए। ये विश्व की बहुत अजीब और गरीब बात है, क्योंकि कोई आदमी चार दिन तक यूरिन न करे तो पाँचवें दिन किडनी फेल हो जाती है और डायलिसिस न किया तो मृत्यु हो जाती है। पर उनके शरीर के सारे परीक्षण नॉर्मल आए। हमने ये भी देखा कि उनकी सारे शरीर की ब्लड की हीमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एक्सरेज, ECG, इको, सोनोग्राफी और फिर बाद में ब्रेन का MRI, पेट का MRI, छाती का MRI, सारे शरीर के अलग अलग। और उनमें हमें ये मालूम पड़ा कि ये एक अजीब किस्सा है, विश्व में ऐसे किस्से कहीं हो सकते नहीं हैं। और हमने वापस परीक्षण प्रोफेसर अब्दुल कलाम के कहने से DIPAS के साथ, DRDO के साथ किया, उसी में भी यही नतीजा आया। तो उसके साथ हमने लेप्टिन ग्रेनिन लेवल भी चेक किया, उसमें पता चला कि क्रॉनिक स्टार्वेशन एडेप्टेशन पे हैं। उनकी पेरिफेरल ब्लड ग्लूकोसाइड पे पता चला कि स्ट्रेस के, एक्सट्रीम स्ट्रेस के साथ वो कोप अप कर सकते हैं। शरीर की सारी बायोकेमिस्ट्री और सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे और ब्रेन के MRI के अंदर एक डॉट भी कोई क्रॉटिक का नहीं था, हार्ट की भी नहीं अच्छी नहीं थी। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई रोगी पुरुष विश्व के अंदर जांच के लिए सामने से आए और दो दो दफा इतने सारे परीक्षण करने दे तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और विश्व में मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसा कोई परीक्षण कहीं हुआ नहीं है। और इस सब जानकारी का हमें ये ख्याल मिला कि ये व्यक्ति कोई अद्भुत तरीके से अपने शरीर में क्रॉनिक एडेप्टेशन करती थी, उनकी जीन्स में शायद कोई बदलाव था और शायद वो ह्यूमन फोटोसिंथेसिस या कोई अलग तरीके से विश्व से ऊर्जा ग्रहण करने वाली व्यक्ति थी। तो ये हमारे लिए, विश्व के लिए, विज्ञान के लिए बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। हम लोग चमत्कार शब्द तो नहीं यूज़ कर सकते, पर एक एक्सट्रीम केस ऑफ क्रॉनिक एडेप्टेशन या बायो ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। और अगले टाइम के लिए विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। हमने उनके ब्लड सैंपल वगैरह रखे हैं और हम आशा करते हैं कि हम आगे उसके ऊपर और ज़्यादा प्रकाश कर सकेंगे।